देयर केपी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। सो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल टाइटल से ऑलरेडी पता लग गया है, मैं आज आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ मामा अर्थ की न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स, विच आर दी मामा अर्थ फेदर लाइट लिक्विड लिपस्टिक्स। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। सबसे पहले अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं इन लिपस्टिक्स की, तो ये आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हो जाती है। मामा अर्थ की जो पहली लिक्विड लिपस्टिक्स थी ना, वो थी लिप सीरम्स वाली लिपस्टिक्स। उसके बाद मामा अर्थ की जितनी भी रेंजेस आई ना लिपस्टिक्स की, या तो वो क्रेयॉन फॉर्म में थी या तो फिर वो बुलेट फॉर्म में थी। ये है मामा अर्थ की फेदर लाइट लिक्विड मैट लिपस्टिक्स। ये कुछ इस तरीके की क्यूबॉइडल फॉर्म में आ जाती है, फ्रॉस्टेड पैकेजिंग मिल जाती है, ऊपर आपको व्हाइट कैप मिल जाता है, एंड बैक साइड पे आपको आपका शेड मेंशन होता है और इसमें कितनी आपको क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज 3.5 ml। अगर हम इस लिपस्टिक के प्राइस की बात करें, इस लिपस्टिक का प्राइस है 499 rupees, विच इज बेसिकली ₹500। मामा अर्थ की अब तक जितनी भी रेंज आएगी ना, वो नॉर्मली इसी रेंज में होती है। इससे पहले जो उनकी लिपस्टिक्स आई थी, विच वर दी सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, जो इस तरीके की बुलेट फॉर्म में आती थी, उनका प्राइस था 399। देन मामा अर्थ के आए थे लिप क्रियॉन्स, हाइड्रा मैट लिप क्रियॉन्स, उनका प्राइस था 599। देन अगर हम बात करें मॉइस्चर मैट की, दैट वॉज अगेन 499, और सिरम्स का प्राइस था 599। तो अगर प्राइस की बात की जाए, तो आई विल से जो आपको हाइड्रा मैट लिप क्रियॉन्स आए थे और लिप सीरम्स जो थे, उनके कंपैरिजन में इसका प्राइस थोड़ा कम है, और सबसे कम जो उनकी बुलेट लिपस्टिक्स आती है उसका प्राइस है। तो यहाँ पे आपको 500 rupees ईच लिपस्टिक का प्राइस मिल जाता है। मामा अर्थ की बेसिकली जितनी भी रेंजेस आती है ना, उनमें उनके जो शेड 7 to 8 to 9 शेड जो है वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये एक लिक्विड लिपस्टिक्स है। आज ना हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करने का ट्राई करेंगे विद द मामा अर्थ लिक्विड सीरम्स, जो उनके सीरम्स आए थे, बिकॉज बुलेट और लिक्विड की कंसिस्टेंसी, फॉर्मुलेशन, देन स्टे में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। तो वी विल ट्राई टू कंपेयर इट कि क्या ये लिक्विड सीरम से बेटर है या फिर नहीं है। सो बेसिकली इन टोटल यहाँ पे आपको 8 शेड्स मिल जाते हैं, जिसमें 4 न्यूट्रल एंड थोड़े न्यूड शेड्स हैं, एंड 4 जो है वो थोड़े डार्क शेड्स हैं, बेसिकली रेड, चॉकलेट एंड थोड़ा सा प्लम शेड, इस तरीके का। ओके, तो वन थिंग आई हैव सीन इन मामा अर्थ की लिपस्टिक रेंजेस में, कि ना जो शेड्स है वो बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं, लाइक नेम चेंज होते हैं, बट अगर आप उनकी पूरी रेंज उठा के देखोगे ना, तो उनमें 2-3 शेड्स न्यूड होते हैं, 2 शेड्स रेड के होते हैं, 1 प्लम का शेड होता है, 1 डार्क चॉकलेट ट्रफल, देन 1 पिंक न्यूड, इस तरीके के शेड आते हैं। तो व्हाट आई फील लाइक इसकी मामा अर्थ को और शेड रेंज लेके आनी चाहिए, मे बी थोड़ी सी डिफरेंट करके, बिकॉज क्योंकि बहुत ही सिंपल से हर रेंज में शेड आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ना वो बोरिंग काइंड ऑफ हो जाता है। तो अगर कुछ न्यू शेड आएंगे तो वो और भी ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि इन सारे के सारे शेड्स के ना, मैं आपको लिप्स वॉचेस दिखाती हूँ कि लिप्स पे किस तरीके से फील होते हैं। आप लोग देख चुके हो, नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज की व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि कुछ न्यू शेड्स जो है वो मामा अर्थ को इंट्रोड्यूस करने चाहिए, बिकॉज मामा अर्थ की लिपस्टिक्स एक ऐसा है ना जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। एवरीवन लव मामा अर्थ की लिपस्टिक्स, बिकॉज उनकी क्वालिटी एंड सब कुछ ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आई थिंक और शेड रेंज इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। द एप्लीकेशन ऑफ दीज लिपस्टिक्स आर वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही इजिली अप्लाई हो जाते हैं, लगाते साथ ही ना ये लिपस्टिक मैट हो जाती है। जो लिप सीरम से उनको ड्राई आउट
मैट होने में थोड़ा सा टाइम लगता था, बट ये वाले जो पर्टिकुलर लिपस्टिक्स हैं ये लगाते साथ ही मैट हो जाती है। सो दैट इज समथिंग आई टोटली लव, बिकॉज समर्स में हमें इस तरीके की ही लिपस्टिक्स चाहिए होती है जो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए लिप्स पे लगाने के बाद, मैट फिनिश दे दे, बिकॉज जो थोड़ी सी स्टिकी रहती है ना वो इतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं लगती है। नाउ एप्लीकेशन के बाद व्हाट आई हैव नोटिस कि आपको वन स्वाइप में कंप्लीट पिगमेंटेशन मिल जाता है, नो इशू, बट दीज लिपस्टिक्स आर लिटिल बिट स्टिकी। लाइक जब आप अपने लिप्स पे लगाते हो ना एंड यू डू दिस, यू फील द स्टिकीनेस, तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं लगी। तो अगर आप ये लिपस्टिक बाय कर रहे हो, यू हैव टू अप्लाई अ लिप बाम बिफोर अप्लाइंग इट। मे बी मैंने अपने लिप्स को प्रेप नहीं किया था, आज डायरेक्टली लगा लिया था, बिकॉज जो मामाअर्थ की मॉइस्चर मैट थी, हाइड्रा मैट थी, इवन लिप सिरम्स हैं, उनमें ये स्टिकीनेस फील नहीं होती है जो मुझे इस लिपस्टिक में थोड़ी बहुत फील हो रही है। अगर आपने ले लिया, अगर आपको भी हल्की बहुत स्टिकीनेस फील हो रही है, मेक श्योर कि एटलीस्ट 15-20 मिनट्स पहले आप अपने लिप्स पर एक लिप बाम या फिर चैपस्टिक लगा रहे हो, एंड देन उसको वाइप ऑफ करने के बाद आप ये लिपस्टिक लगा रहे हो, तो मे बी आपको स्टिकीनेस जो है वो फील नहीं होगी। नाउ द शेड आई हैव ऑन माय लिप्स राइट नाउ इज 04, दैट इज न्यूड रोज, ये वाला शेड है, ठीक है। इसी तरीके के शेड्स आपको बाकी रेंज में भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये लिपस्टिक स्मच प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ है या फिर नहीं। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग, लेट्स डू अ लाइव टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आई हैव द शेड न्यूड रोज ऑन माय लिप्स, नॉट फेस। ओके, लेट्स जस्ट डू अ किस टेस्ट फर्स्ट। ओके, आई हैव लिटरली स्मच्ड माय लिप्स, तो ये ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होती है। लेट्स सी इफ इट स्मजेस और नॉट। आई एम ट्राइंग टू रब माय फिंगर रियल हार्ड ऑन माय लिप्स राइट नाउ एंड इट डज नॉट स्मज। सो बेसिकली दिस इज ट्रांसफर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ। एंड द वन थिंग आई लव्ड अबाउट दिस लिपस्टिक, इसके बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है गाइज लिप्स के ऊपर, ठीक है। लाइक इवन लाइटर देन मॉइस्चर मैट। लाइक मामाअर्थ की जो कम्प्लीट लिपस्टिक रेंज रही है ना, उसमें से अब तक की जो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, दैट हैज टू बी मॉइस्चर मैट, बिकॉज जिन लोगों ने यूज किया उन लोगों को पता है दैट मॉइस्चर मैट इज सच एन अमेजिंग लिपस्टिक, एंड ये उससे भी ज्यादा लाइट वेट है। लाइक यू डोंट इवन फील लाइक कि आपने अपने लिप्स के ऊपर लगा रखा है। अपार्ट फ्रॉम द स्टिकीनेस पार्ट, ये लिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, स्मज नहीं हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही है। आप कुछ पियोगे, कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, देन पानी पी रहे हो, कुछ मॉकटेल्स ले रहे हो, कॉकटेल्स ले रहे हो, ये बिल्कुल भी स्मज या ट्रांसफर नहीं होने वाली है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑयली फूड, आई ऑलवेज से आप कितनी महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी लिपस्टिक ले लो, लेकिन जब आप ऑयली फूड खाते हो आपकी लिपस्टिक डेफिनेटली ट्रांसफर होती ही होती है। एंड ट्रांसफर नहीं भी होती तो जो मिडल पार्ट होता है वहां से आपकी लिपस्टिक थोड़ी बहुत स्मज होकर उतर जाती है, बिकॉज ऑयल कभी भी आपकी लिपस्टिक को टिका के नहीं रखने वाला। तो बेसिकली ना लिपस्टिक्स के अंदर कोकोनट एंड विटामिन ई है, दैट इज व्हाई दीज आर वेरी हाइड्रेटिंग ऑन द लिप्स एज वेल, एंड बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है। एंड अगर कोकोनट एंड विटामिन ई ना, तो आपके लिप्स को बहुत ज्यादा आई फील लाइक ब्लैक नहीं करेगी, बिकॉज बाकी की जो मैंने मामाअर्थ की लिपस्टिक्स ट्राई करी है ना, वन थिंग आई लव अबाउट मामाअर्थ लिपस्टिक इज कि वो ना आपके लिप्स को खराब नहीं करती, बिकॉज दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड, सो आई लव्ड इट। अगर फाइनली इफ आई हैव टू गिव नंबर्स, इफ आई हैव टू रेट आउट दिस लिपस्टिक आउट ऑफ 10, आई एम गोइंग टू गिव इट 8। दो नंबर्स मैंने सिर्फ इसलिए कट करे हैं, फर्स्ट आपके लिप्स पे थोड़ी सी स्टिकी फील होती है, बट मे बी लिप बाम लगाने से वो वाला इशू भी कट आउट हो जाएगा। एंड द सेकंड वन इज शेड रेंज। आई फील लाइक मामाअर्थ शुड इंट्रोड्यूस सम न्यू शेड्स फॉर ऑल द स्किन टोन्स, ठीक है, बिकॉज न्यूड जो शेड्स है ना, फर्स्ट सेकंड जो शेड होता है न्यूड वाला, वो इस तरीके का है कि अगर थोड़ा मीडियम या डस्की स्किन टोन वाला अप्लाई करेगा ना, तो वो उसकी स्किन टोन को वॉश आउट कर देगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपने सारे के सारे शेड्स देख ले, दिस शेड इज सूटिंग माय स्किन, आई हैव अ वीटी स्किन, मेरी स्किन पे जा रहा है, लेकिन अगर कोई मीडियम स्किन वाला इसको लगाएगा ना, उसको कंप्लीटली वॉश आउट कर देगा, जो चीज अच्छी नहीं लगती है। Then you have to buy a lip liner, apply that. So I feel like shades aur aane chahiye, and there is a little bit stickiness in this lipstick. That is all. Apart from that, I totally love these lipsticks. And yeah, guys, that's it for today's video. I hope ये video आपको अच्छी लगी होगी. And if you do, please do not forget to give this video a like, share with your friends, and subscribe my channel. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.